sizes. Like some plants are small, some trees are long, big. Okay, these are the various types of plants present in our surrounding. So there is an activity given in your book that is about thorny plants and aquatic plants. So what are thorny plants? The plants present in the sandy and desert area. जो डेजर्ट एरिया में और जो सैंडी एरिया में यानी कि जहाँ पे बहुत सारी सैंड होती है जो आप बोल सकते हो ड्राई सैंड होती है डेजर्ट्स में ड्राई सैंड होती है सो देयर इज मींस लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर सो द प्लांट्स व्हिच ग्रोज इन सैंडी एंड डेजर्ट एरियाज आर नोन एज थॉर्नी प्लांट्स लाइक जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहां पे कैक्टस ग्रो करता है सो दैट इज अ थॉर्नी प्लांट एंड देन एक्वेटिक प्लांट्स द प्लांट्स व्हिच ग्रोज इन वॉटर आर कॉल्ड एज एक्वेटिक प्लांट्स जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं व्हिच ग्रोज इन वॉटर सो द एक्टिविटीज अबाउट दीज सो यू कैन डू ऑल योर सेल्फ एंड ऑल द एक्टिविटीज इन द चैप्टर यू हैव टू डू योर सेल्फ नाउ वी विल गो टू द मेन टॉपिक दैट इज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वी विल रीड दैट हाउ मेनी पार्ट्स व्हिच टाइप ऑफ पार्ट्स द प्लांट्स हैव सो टुडे वी विल रीड अबाउट टू पार्ट्स दैट इज स्टेम एंड रूट वी विल रीड अबाउट दीज टू पार्ट्स So the part of plants means it's the system of the plants is divided into two systems. The one system is shoot system and second is root system. Means जो plant होता है उसके अंदर two systems होते हैं. Like this is the soil. So soil के ऊपर यानी कि ground के ऊपर जिसको हम देख सकते हैं the part which is present above the ground that is known as shoot system. We call it shoot system and the part which is present under the ground means like roots are present under the ground so that will be root system so you should not be confused in this is the systems now we'll go to the root system we will learn about the root system so what is root system basically in the root so this is having the part only one part that is root so what is root see roots are these small hair like structure which are present under the soil now we read this has the two parts this is divided into two parts one is the tap roots and second is fibrous roots so what are these roots tap root and fibrous root first we'll study tap roots are long and thick means ye jo roots hoti hai ye long hoti hai lambi hoti hai aur thick hoti hai means thodi moti hoti hai इनमें क्या होता है एक मेन रूट होती है देयर इज अ मेन रूट एंड द रूट्स आर डिवाइडेड लाइकवाइज मींस एक मेन रूट्स में से बहुत सारी रूट्स निकलती है और उसमें से स्मॉल स्मॉल रूट्स निकलती है जो पूरी डायरेक्शन में फैल जाती है सो दीज आर टैप रूट्स एग्जाम्पल कौन से प्लांट्स की होती है लाइक कैरेट है बीट रूट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा देन वी विल गो टू द फाइब्रस रूट्स व्हाट आर द फाइब्रस रूट्स सम प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स जिनकी मेन रूट नहीं होती है जिनकी रूट डायरेक्टली निकलना शुरू कर देती है दीज आर नॉट डिवाइडेड इनटू एनी पार्ट्स मींस अ वन रूट इज देयर देन इट विल बी ग्रोइंग ऑन सो इट इज फैली भी होती है पूरी डायरेक्शन में सॉइल के अंदर द प्लांट्स व्हिच हैव लाइक ग्रास होती है वीट होती है राइस होती है इनकी फाइब्रस रूट्स होती है नाउ वी गो टू द फंक्शंस ऑफ द रूट सो व्हाट द रूट डज फॉर अस डज फॉर द प्लांट फर्स्ट इज इट होल्ड सॉइल फॉर्मली ये इसका जो फंक्शन होता है इसका मतलब है कि ये सॉइल को पकड़ के रखती है इट होल्ड द सॉइल वेरी फॉर्मली जो जिससे कि है जो सॉइल इरोजन है वो प्रिवेंट कर सकते हैं हम क्योंकि जो रूट्स होती है जब वो सॉइल को होल्ड करके रखेगी तो सॉइल इरोजन नहीं होगा मीन्स थोड़ा लेस होगा सेकेंड इज एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स जो हम लोग अगर प्लांट उगाते हैं तो सॉइल जो हमारी होती है वो फर्टाइल होती है तो उसमें से जो भी मिनरल्स होता है वो रूट्स अब्सॉर्ब कर लेती है और जो हम प्लांट को पानी देते हैं वो भी रूट अब्सॉर्ब कर लेती है देन इज स्टोरेज रूट सम रूट्स होती है कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टोरेज रूट्स होती है तो रूट्स क्या करती है कुछ जो फूड होता है उनको स्टोर कर लेती है जो हम लोग खाते हैं ओके सो दिस इज द स्टोरेज रूट्स फॉर एग्जाम्पल कैरेट जो होती है कैरेट्स से आप देखते हो कि कैरेट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है So that is the storage roots which store some part of the food that is eaten by us. Then we will go to the stem. So what is the stem? Stem जो होता है ये shoot system के अंदर आता है. Shoot system का सबसे longest part क्या होता है? Stem होता है. Stem जो above the ground से यहाँ से शुरू होता है and it goes on. So ये
करते हैं, तो उनके